हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग टैक्स वंस अगेन। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त दर्पण। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन डिवाइस। दिस वन इज स्टारटेक FM220 फिंगरप्रिंट रीडर। और ये भी डिवाइस जो है बाकी डिवाइसेस की तरह आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपने बाकी कंपटीटर्स की तरह ही, क्योंकि ये डिवाइस आपका EKYC में यूज़ होता है, CSC में यूज़ होता है, सिम इशू करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की आधार लिंक्ड सर्विसेज हैं उन सब के अंदर भी जो है आपका आधार को ऑथेंटिकेट करने के लिए ये डिवाइस यूज़ होता है। और क्योंकि इस डिवाइस के बारे में ज़्यादा लोगों ने जो है डिस्कशन नहीं किया हुआ है, कहीं भी इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमने रिक्वेस्ट से हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके हम लोग जो है एक वीडियो बनाएं और आपके साथ शेयर करें कि कैसे इस वीडियो इस प्रोडक्ट के लिए जो है हम लोग इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कैसे यह प्रोडक्ट काम करता है, इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ क्या है, कैसे इस प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी है, क्या इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है। तो इन सारे पॉइंट्स को आज हम डिटेल्ड वे में आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, कैसे ये प्रोडक्ट काम करता है, किन किन मॉड्यूल्स के ऊपर ये प्रोडक्ट सपोर्टेड है, और मार्केट रिव्यूज़ का क्या है, कितनी रिलायबिलिटी है, क्या लाइफ स्पैन है, वारंटी कैसे क्लेम की जा सकती है, सारी चीज़ें। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी एक्शन मिस ना कर पाएँ हमारे चैनल के ऊपर होने वाला। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर उसे लाइक कीजिए, और अगर कोई भी आपका सजेशन है या कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हैं या कोई फीडबैक देते हैं या हमें एक सुधार का भी कोई मौका देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर लव एंड योर अफेक्शन। आप लोगों का, भाइयों का प्यार है जो हमें आगे बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो हमारे को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस लेके आते रहेंगे, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में इस प्रोडक्ट के साथ हमें क्या क्या मिलता है। तो देखने में बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट है। पैकेजिंग की अगर बात करें तो मैंने ये प्रोडक्ट ऑनलाइन ख़रीदा है amazon.in के थ्रू। आप भी अगर ख़रीदना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप काफ़ी अच्छे प्राइजेस के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है परचेज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि पैकिंग के नाम पे कंपनी कुछ नहीं देती है। एक ये पिंक कलर की बबल रैप जैसे बाकी फिंगरप्रिंट डिवाइसेस में मोस्टली आता है, और एक ये सिंपल बबल रैप। दिस इज ऑल व्हाट आई गॉट इन द नेम ऑफ पैकिंग। तो पैकिंग तो कोई खास नहीं है, ड्राइवर्स की डिस्क भी हमेशा की तरह बाकी डिवाइसेस की तरह नहीं है। सो इट्स जस्ट लाइक मोस्टली फिंगरप्रिंट डिवाइसेस विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, जैसा कि मॉर्फो है और आपका ट्रांजेंट है, सॉरी ट्रांजेंट कह रहा हूँ, 3M कोजेंट है, इस तरह के डिवाइसेस जो मार्केट में अवेलेबल हैं, या सिक्यूजन है, जिनके अंदर कोई भी हमारे को स्पेसिफिकेशंस वगैरह तो बिल्कुल भी कहीं पर पता नहीं लग पाती हैं, कोई ड्राइवर्स के डेस्क नहीं आती है, बट वेबसाइट से इजीली डाउनलोड उनके ड्राइवर्स हो जाते हैं। तो यहाँ भी सेम कहानी है, कोई पैकिंग नहीं है, कोई ब्रोशर की सीडी नहीं है, कोई यूज़र मैनुअल नहीं है, आपको जस्ट एक प्लेन पैकिंग के अंदर डिवाइस मिलता है। और कोई बात नहीं, बाकी डिवाइसेस भी अच्छे काम करते हैं तो होपफुली ये भी करना चाहिए। केबल कंपैरेटिवली छोटी है देखा जाए तो, बट स्टिल क्वालिटी अच्छी है केबल की, वाइट कलर में डिसेंट लुक्स का डिवाइस है। इसके अलावा नीचे अगर हम देखें तो एक सिंपल स्टारटेक english.incorporation ये लिखा हुआ है कंपनी का नाम, मॉडल नंबर यहाँ पे FM220 लिखा है और एक सीरियल नंबर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे दो स्क्रूज हैं जो डिवाइस को खोलने काम आते होंगे, और उनके ऊपर वारंटी वॉइड इफ ब्रोकन सील ना खोलने के लिए कहा गया है। इसकी USB 2.0 का इंटरफेस है, जैसा कि यूजर्स के द्वारा बताया जाता है कि ये आपका एंड्रॉयड के ऊपर और विंडोज 7, विंडोज 8 के ऊपर भी सपोर्ट करता है डिवाइस, तो कंपैटिबिलिटी भी इसकी ठीक ठाक है। अब इसके अलावा
डिवाइस यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस डिवाइस को आप यूज़ कर सकते हैं ई केवाईसी के लिए, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की आधार लिंक सर्विसेज के लिए, अपनी CSC, UCL, जीवन प्रमाण फैसिलिटी के लिए, और भी बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधार लिंक सर्विसेज आपको दे रखी है, जहाँ पे आपको आधार ऑथेंटिकेट करना ज़रूरी होता है, वहाँ पे आप इन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी कस्टमाइज्ड ऐप के ज़रिए आप इस डिवाइस को अटेंडेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आधार लिंक्ड कोई भी अटेंडेंस है उसके लिए भी इन डिवाइसेस को यूज़ किया जा सकता है। देन आपका कोई भी प्राइवेट भी कोई ऐसा काम है जो आधार लिंक्ड है, तो भी आप फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ कस्टमाइज्ड ऐप की हेल्प से आप पासवर्ड स्टोर करने के लिए भी अपने इन बायोमेट्रिक डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है बाकी तो कनेक्टिविटी की जो बात है, वो एक बार हम अभी इसे लैपटॉप पे कनेक्ट करके देखते हैं, और उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे सपोर्ट करता है, और जो हमारी जानकारी है उसके अकॉर्डिंगली जो है Windows 7 और Windows 8 दोनों ही वर्जन्स 32 बिट और 64 बिट दोनों के ऊपर ये डिवाइस सपोर्ट करता है। इसके अलावा एंड्रॉयड की जितनी भी रिसेंट वर्जन्स हैं उन फोन्स के ऊपर भी आपका ये डिवाइस सपोर्ट करता है। तो इसको आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं किस तरीके से इसे लैपटॉप में प्लग करके हमें ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस डिवाइस को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। आइए इसे USB पोर्ट में प्लग करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। मैंने इसे प्लग कर दिया है दोस्तों, और एक बीप की साउंड आई है, तो इसका मतलब जो है कि इसको डिटेक्ट कर लिया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। और आइए अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आगे हमें किस तरीके से इसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे को यहाँ पे ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले तो हम माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, डिवाइस मैनेजर में जाते हैं। डिवाइस मैनेजर में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है FM220 जो ड्राइवर डिवाइस हमने प्लग कर रखा है वो यहाँ पे डिटेक्ट तो हो रहा है। अब हमें सीधी बात है कि ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग ब्राउज़र में जाते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट कंपनी की साइट पर जा सकते हैं, startech-eng.com। अदरवाइज सिंपली मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप गूगल भी कर सकते हैं startech-FM220 ड्राइवर। ठीक है जी, जब आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टारटेक की वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। ये देखिए startech-eng.com technology.aspx। तो हमें सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पेज जो खुला है इसके अंदर ये FM220U, ये आपका जो प्रोडक्ट है इसका यहाँ पे जिप फोल्डर है। इस जिप फोल्डर को हम डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि इसी के अंदर ही हमारा ड्राइवर जो है वो होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राइवर डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ऑलमोस्ट 1 मिनट का टाइम यहाँ पे लगेगा और आपको पेशेंस थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग, जब ड्राइवर हमारा पूरा डाउनलोड हो जाता है उसके बाद हम लोग इसे अनजिप करेंगे, और अनजिप करने के बाद हम लोग जो है सेटअप इसका इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये भी एक तरीके से काफ़ी सिंपल डिवाइस ही है इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि आपको जानकारी और जो बाकी की चीज़ें हैं जो होनी चाहिए साथ में वो नहीं मिलती हैं इस डिवाइस के साथ, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपका डिवाइस चल कैसा रहा है। और इस डिवाइस के भी जो रिव्यूज़ हैं, क्योंकि बाकी बायोमेट्रिक डिवाइसेस की जगह इसके भी रिव्यूज़ में कोई बुराई नहीं है, रिव्यूज़ बहुत सही हैं। अगर कुछ भाइयों ने कहा है कि उन्हें इसमें परेशानी आई है तो वो इस वजह से कि वो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर नहीं जानते थे, अदरवाइज हार्डवेयर को लेके इशू डिवाइस के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ड्राइवर ऑलमोस्ट पूरा डाउनलोड हो चुका है, मैं इसे कट करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेता हूँ और
यहाँ पे मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारा इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप FM220 ड्राइवर वर्ज़न 1.9 ये फोल्डर आ रहा है। इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई सेटअप नहीं है कि आप सेटअप चला देंगे और वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों वो चीज़ तो आपको नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है इस ड्राइवर को मैन्युअली इंस्टॉल करना है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको जाना है अपने माय कंप्यूटर पे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में, देन आपको जाना है डिवाइस मैनेजर में, और डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद आपको ये FM220 अपना डिवाइस चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आप अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करेंगे, देन ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर द ड्राइवर सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे लेट मी पिक फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स ऑन माय कंप्यूटर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, और बायोमेट्रिक डिवाइसेस के ऊपर ही आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट कर कीजिएगा, हार्ड डिस्क में जाएंगे हम लोग, ब्राउज में जाएंगे, और हमारी जो लोकेशन है डेस्कटॉप पे, इसके अंदर हम लोग जो है यहाँ से ड्राइवर को चूज़ करवा देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं स्टारटेक FM220 फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस, ये यहाँ पे आ रहा है। अब सिंपली नेक्स्ट करेंगे और ड्राइवर हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ड्राइवर जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। इट्स सेइंग विंडोज़ हैज सक्सेसफुली अपडेटेड योर ड्राइवर सॉफ्टवेयर, विंडोज़ हैज फिनिश्ड इंस्टॉलिंग द ड्राइवर सॉफ्टवेयर फॉर दिस डिवाइस, और डिवाइस का जो नाम आ रहा है दैट इज़ स्टारटेक FM220 फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस। सो इतनी सी चीज़ आपको करनी है अपने ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए, और इसके बाद आप देख सकते हैं आपका ड्राइवर पूरे तरीके से इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए। और इसके बाद अब आप जिस भी पोर्टल पे चाहें, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट की यूआरएल पे चाहें, या सेंट्रल गवर्नमेंट की यूआरएल पे चाहें, या कोई भी आधार कार्ड लिंक्ड जो आपकी सर्विस है उसको आप इसके थ्रू ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है, हालांकि थोड़ा सा मार्केट के अकॉर्डिंगली अंडर एस्टिमेटेड है, बट स्टिल इट्स अ गुड डिवाइस। परचेज़ करने के लिए इस डिवाइस को आप हमारे लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी लिंक दिया होगा, उसके थ्रू आप ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन ट्रेंडिंग टेक्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।